सिन्हा जी, कंग्रेचुलेशंस ऑन द डीडीसी इलेक्शंस। द बीजेपी हैज वन 75 सीट्स, 75 सीट बीजेपी को, विथ ऑलमोस्ट 5 लाख पीपल वोटिंग फॉर द बीजेपी। गुपकार अलायंस हैज गॉट 110 सीट्स विथ 2.8 लाख वोट्स एंड सम 50,000 वोट्स फॉर द पीडीपी। इंडिपेंडेंट्स को भी ऑलमोस्ट 1.7 लाख वोट्स मिली है, विच इज अ लार्ज नंबर। सो मिस्टर सिन्हा, व्हाट डू दीज इलेक्शंस convey to all the people who said that these elections are a fraud election, these elections should be boycotted? In fact, independent candidates have got more votes than combined of the Gupkar group. So how do you read these elections? You're not just a lieutenant governor, you're a very seasoned politician as well. Aapko ye sare chunav aur chunavon ke result, aap kaise inko dekhte hain? मुझे लगता है कि आई विल नॉट कमेंट ऑन पॉलिटिकल पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, बट डेफिनेटली आई विल कमेंट ऑन द होल प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन। जब प्रोसेस शुरू हुआ था तो मैंने एक बात कही थी कि शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित कराना ये हमारी जिम्मेदारी है, और मुझे प्रसन्नता है, आई एम वेरी हैप्पी कि वायलेंस फ्री फ्री एंड फेयर इलेक्शन पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में हुए हैं। और अगर आप याद करेंगे तो शायद यहाँ के लोगों को याद नहीं है कि बिना किसी हिंसक घटना के चुनाव यहाँ कभी हुआ हो, शायद ये पहला चुनाव है। दूसरी बात, जिस तरह से लोगों ने मतदान किया, द पोलिंग परसेंटेज, इट वॉज जस्ट डबल इन कंपैरिजन टू द लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन। तीन चार चुनाव के कंपैरिजन आप करेंगे तो मुझे लगता है पिछली बार 2018 में जब पंचायत के चुनाव हो रहे थे तो साउथ कश्मीर की 90% सीटें खाली रह गई थी, वैकेंट रह गई थी। इस बार 95% सीटें भर गई हैं हर जगह की, तो जो वैकेंसीज थी वहाँ भी हमने चुनाव कराए। एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जम्मू कश्मीर की ये थी कि देश में जब पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई तो हर स्टेट में 3-tier सिस्टम था, जम्मू कश्मीर में 2-tier सिस्टम था। वो अमेंडमेंट हमने किया कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ के कानून में, और 3-tier सिस्टम लागू किया। और मैं मानता हूँ कि पहले जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड था इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के स्थान पर यहाँ के MLAs लोग हुआ करते थे, अब जो नया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड बनेगा डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में वो सीधे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। अगर आपने चुनाव के दौरान लोगों की बात सुनी होगी तो उत्साह से लोगों ने कहा कि हम अपने विकास के लिए वोट दे रहे हैं। तो दो बात मैं कहना चाहूँगा, एक, भारी संख्या में मतदान हुआ है, दूसरा है बिना किसी हिंसा के हुआ है, तीसरा निष्पक्ष और स्वतंत्र हुआ है। PAGD के भी कुछ नेताओं ने कल टेलीविजन चैनल पर यह बात कही है कि यह चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हुआ है। If we compare this election with the last Lok Sabha elections, the turnout this time was double. In fact, it is more than double. Because in Srinagar, which saw 27.9% turnout, more than double. Now witnessed 35% turnout. Avantipura recorded 3% turnout in 2019, now saw almost 9.9%. So it was more than double. In some places like Avantipura and Srinagar, it is more than three times. But the question is the mindset. More than three times, yes, you're right. Day before counting day, Mehbooba Mufti, one day before the counting day, she said, before the counting, she said, looks like the BJP is planning to manipulate the DDC results tomorrow. Democracy is being murdered in JNK. This comment was one day before the counting day. So it reflects a different mindset, doesn't it? Mr. Goswami, I will request you to just go through the results. Whenever panchayat elections were held in Jammu and Kashmir, you will find that the political dispensation which were at the helm of the affairs, you see the numbers, I don't think anybody can match those elections to this election.